जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, शनिवार का दिन 25 जून धृति योग भरणी नक्षत्र सुबह 10:24 तक आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल का प्रभाव, उसके बाद कृतिका नक्षत्र का उदय होगा सूर्य और शुक्र के प्रभाव के साथ। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। आज आपकी कुंडली में शुक्र मंगल सूर्य का प्रभाव, राहु की छाया, बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि होगी। तुला राशि वालों, आज आपके लिए शुक्र मंगल और सूर्य जिसके प्रभाव से बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला सुंदर योग बनेगा। सूर्य मंगल ऐसा ग्रह है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपके जीवन में धैर्य और दृढ़ता प्रदान करता है। सूर्य मंगल जो लाभ स्थान और धन स्थान का स्वामी है, आपके उद्देश्य की पूर्ति करता है। जीवन के संघर्ष पर विजय प्राप्त करने में, आपकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में आपकी मदद करता है। वहीं शुक्र जो आपके लग्न का स्वामी है, आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन, आपके जीवन का सुख है, शुक्र सूर्य और मंगल से आज पूरा होगा। आज का दिन आपके लिए बेहतर साबित होगा। आज आपके मन में इच्छा शक्ति प्रबल होगी, आत्मविश्वास से आसानी से अपने जीवन में अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। आपके जीवन में जो नकारात्मक प्रवृत्ति है, आपके मन में हमेशा कुछ उतार चढ़ाव चलता रहता है। आप कभी अच्छा नहीं सोचते, हमेशा जीवन के निगेटिव पहलू को सोचते हैं। इसी के लिए आपके जीवन में जितनी तरक्की मिलनी चाहिए उतनी तरक्की आपको नहीं मिल पा रही है। ऐसा इसलिए कि चंद्रमा आपके मन को भ्रमित कर रहा है। चंद्रमा राहु के साथ बैठा है। राहु के साथ जब चंद्रमा का गोचर होता है तो आप जो भी सोचते हैं वो निगेटिव बात सोचते हैं। आपके मन में जो विचार आता है बिल्कुल अच्छा नहीं होता, जिसके कारण जितना आपको सुख मिलना चाहिए उतना सुख आपको मिल नहीं पाता। 5:03 जब चंद्रमा राहु को छोड़कर आपकी कुंडली में आगे बढ़ेगा तब आपके जीवन में सुख का योग है। आपके जीवन में परिणाम अच्छे मिलेंगे क्योंकि सूर्य शुक्र और मंगल की शक्ति ऐसा संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ हासिल करने की इच्छा शक्ति आपकी पूरी होगी। आपके जीवन में कुछ रचनात्मक बदलाव होगा। अपने पराक्रम से आप सिद्ध करेंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। आपके जीवन में भी सुख है, समृद्धि है, सौभाग्य है, आप में शक्ति है। एक निश्चित दिशा में अगर आप अपनी शक्ति को लगाएंगे तो आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, अनुकूल परिणाम मिलेंगे, आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और विजयी बनेंगे। आपके जीवन में आनंद, सुख, धन, प्यार सब कुछ आज प्राप्त होगा क्योंकि शुक्र जो है आपके जीवन में सौंदर्य, आपके जीवन में प्यार, आपके जीवन में समृद्धि और सुख लेकर आता है। वहीं सूर्य लाभ स्थान का स्वामी है, आपके जीवन में लाभ और उन्नति करेगा। मंगल आपके साहस हिम्मत को बढ़ाएगा। मंगल के कारण आप जीवन में सफलता पाएंगे, जीवन में खुश रहेंगे और मंगल के कारण ही धन अर्जित करेंगे। तुला राशि वालों, आज शुक्र मंगल सूर्य का प्रभाव है तो बृहस्पति चंद्रमा की दृष्टि है। बृहस्पति जो मंगल के साथ बैठा है,
आपके अंदर एक निश्चित शक्ति को बढ़ाएगा जो परिश्रम के बल पर आप जीवन में बड़े लाभ और सुख अर्जित करेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, जीवन में भरपूर अपने क्षमता का उपयोग करते हुए जीवन की ऊंचाइयों पर आप पहुंच सकते हैं। आपका एक ही मकसद है कि अपने जीवन में धन कमाना, सुख अर्जित करना, अपने जीवन में लाभ तरक्की प्राप्त करना आप अवश्य करेंगे, क्योंकि 5:04 के बाद चंद्रमा राहु से दूर होगा और आपकी कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा की दृष्टि है, शुक्र मंगल सूर्य का प्रभाव है, तो आपके लिए समय बड़ा लाभकारी है। समय बर्बाद ना करें, मेहनत से काम करें, आपके जीवन में बड़ी तरक्की बड़ी उन्नति का योग है। तुला राशि वालों, आज भाग्य का साथ भी मिलेगा, आप धन भी कमाएंगे, अपने जीवन में सुख भी पाएंगे, दिन अच्छा है, माहौल अच्छा है, आपके लिए लाभ के अवसर हैं, मेहनत से सफलता भी मिलेगी, जीवन में प्रेम प्रसंग की नई शुरुआत भी होगी, आप जिससे प्यार करते हैं उससे आपके रिश्ते भी बनेंगे। दूसरी तरफ आपके मन के अंदर जो साहस है आपके जीवन को सुंदर बनाएगा, आपके जीवन में समृद्धि देगा, सकारात्मक बदलाव लाएगा, बड़ी सफलता कामयाबी का योग है। आज आपकी स्थिति पहले से अच्छी होगी, पैसा तेजी से कमाएंगे और जीवन में बड़ी कामयाबी और सुख पाएंगे। आज किसी नए काम की शुरुआत करेंगे, आपकी समस्या सुलझेगी, परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा, कामयाबी सफलता जीवन में आगे बढ़ने के अवसर, यानी आज का दिन आपके लिए शुभ है। चंद्रमा जब राहु को छोड़कर आगे बढ़ेगा तब आपके जीवन में शुभ लाभ का योग बनेगा, आपके जीवन में धन समृद्धि एक नई शुरुआत होगी, घर में खुशियों का माहौल होगा, रिश्ते मजबूत होंगे, आपके लिए खुशियों भरा समय होगा, बड़े लाभ और धन की प्राप्ति होगी, कोई जरूरी काम भी आज पूरा होगा, मन में खुशी होगी, आपके लिए सफलता कामयाबी खुशखबरी का योग है। कृतिका नक्षत्र आपके लिए बड़ा शुभ होता है, क्योंकि सूर्य लाभ स्थान का स्वामी और मंगल धन देता है, तो आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आपके जीवन में हर काम अच्छा होगा, मनमोहक छवि होगी, आपका व्यक्तित्व सुंदर होगा, आपके जीवन में दूसरों को आप प्रभावित करेंगे, आपकी सोच आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। आज का दिन आपके लिए धन समृद्धि और सुख का योग है, अच्छा सोचें, अच्छा काम करें, सब कुछ अच्छा होगा, मन में अच्छे विचार, धन कमाने का साहस सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। आज का दिन 4 में व्यतीत होगा, प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति, द्वितीय चरण का स्वामी शनि, तृतीय चरण का स्वामी बुध और चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा है। प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति आपको अपने क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आज आपकी कुंडली में बृहस्पति 6 भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहा है, लग्न में केतु बैठा है, 5 भाव में शनि है, तो आपके जीवन में कुछ अच्छे निर्णय आप करेंगे, मन की उलझनों से छुटकारा मिलेगा, नई ऊर्जा उत्साहित करेगी, कार्य सिद्धि सफलता का योग है, सुख शांति सौभाग्य का योग है। द्वितीय चरण का स्वामी शनि आपके जीवन में खुशी देगा, आपकी एक नई पहचान, कोई बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त करेंगे, अपने क्षेत्र में आप तेजस्वी होंगे, जीवन के संघर्ष पर विजय प्राप्त करेंगे, भाग्योदय का योग बनेगा, उन्नति आपके जीवन में होगी। तृतीय चरण का स्वामी बुध आपको भाग्यशाली बनाएगा, जिसके कारण आपके सारे काम आसानी से पूरे होंगे, और चतुर्थ चरण का चंद्रमा शाम 5:04 के बाद जब वो
राहु को छोड़कर आगे बढ़ेगा तो आपके जीवन में स्वाभिमान और अद्भुत क्षमता विकसित करेगा, जिससे आपके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों, विस्तार से राशि फल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 25 जून शनिवार का दिन, आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, धृती योग, भरणी नक्षत्र सुबह 10:24 तक, उसके बाद कृतिका नक्षत्र आपकी कुंडली में शुक्र मंगल सूर्य का प्रभाव, राहु की छाया, बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि। आकर्षक व्यक्तित्व, स्वाभिमानी जीवन, अद्भुत क्षमता, विलक्षण प्रतिभा, प्रबल इच्छा शक्ति, धन संपत्ति में रुचि, नए नए तरीके से जीवन में सुख पाने की लालसा, मन में नए नए विचार, धैर्य का परिचय, सुख और आनंद की युक्ति, समृद्धि, सफलता, सौभाग्य की बुलंदी, कर्म की गति तेज होगी, जीवन में सुख है और धन कमाने का साधन मिलेगा, बड़ी सफलता, शुभ काम का सामर्थ्य, आपका सामर्थ्य, इच्छा शक्ति प्रबल है, अपने जीवन में शुभ काम करेंगे, सुख पाएंगे, उमंग उत्साह इच्छा शक्ति आपकी ताकत है, परिश्रम का पुरस्कार मिलेगा, अत्रि पुष्कर योग है, सभी इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी, अत्यंत शुभ योग है जो लाभ देगा, कर्मठ, पराक्रमी और उत्साही बनाएगा। तुला राशि वालों, आज शुक्र मंगल सूर्य का प्रभाव, राहु की छाया, बृहस्पति चंद्रमा की दृष्टि, आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:45 जब शुक्र के प्रभाव से भरणी नक्षत्र में दिन की शुरुआत होगी तो शनिवार का दिन त्रिपुष्कर योग में भाग्य का सितारा चमकेगा, आपके जीवन में खुशी सुख की प्राप्ति होगी। त्रिपुष्कर योग 10:24 में कृतिका नक्षत्र में जब सूर्य और शुक्र का उदय आपकी कुंडली में होगा, आपकी दशा बदलेगी, आपके जीवन में प्यार, सुख, धन, सौभाग्य बढ़ेगा, लाभ तरक्की का योग है, सुख समृद्धि का योग है, आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, धन कमाएंगे, सौभाग्य सुख से जीवन को व्यतीत करेंगे। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:52 का समय जीवन में खुशी बढ़ाएगा, सुख देगा, सौभाग्य को बढ़ाएगा। वहीं विजय मुहूर्त 2:43 से 3:39 का समय बड़ी सफलता, खुशखबरी भरा होगा, आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। आज का राहु काल 8:54 से 10:39 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें, आपके लिए लकी कलर ऑरेंज होगा, लकी नंबर 3 होगा। तो तुला राशि वालों, शनिवार का दिन शुक्र मंगल सूर्य का प्रभाव, बृहस्पति प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में शनि, तृतीय चरण में बुध और चतुर्थ चरण में चंद्रमा का प्रभाव, उत्साह, उमंग, शुभ काम, शुभ लाभ, शुभ फल की प्राप्ति आपके जीवन में होगी। मेहनत से काम करें तो जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद की प्राप्ति होगी, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, भाग्य चमकेगा, जीवन में सुख धन बढ़ेगा। तुला राशि वालों, आज का दिन अनुकूल है, आपके लिए बड़े लाभ का योग है, आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके लिए शुभ फल की प्राप्ति, हनुमान जी के आशीर्वाद से उन्नति, जीवन में सारे कष्ट बाधा दूर होंगे और समृद्धि सौभाग्य का योग बनेगा। तुला राशि वालों, ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।